आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुओं के प्रमुखतम त्योहारों में से एक दीपावली का त्यौहार, जो कि अभी हम सभी ने दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया और दशहरा के बाद में अब हमारा दीपावली का त्यौहार आया है, जो कि यह हम सभी बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो दीपावली हमारा आने वाला है। सबसे पहले मैं आप सभी भाइयों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दीपावली के उत्सव से आप सभी के जीवन में एक नई खुशहाली आएगी, नया उमंग, नया जोश, उत्साह आपको काम करने का, एक आपके जीवन में एक नया प्रकाश आएगा, मैं आशा करता हूं ऐसी। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं, दीपावली मनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, दीपावली मनाने के पीछे क्या जुड़ा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों हम यह जानेंगे कि दीपावली क्यों मनाते हैं। तो आइए हम आप सभी को थोड़े रामचरितमानस, जो रामायण है, भगवान श्री राम का उद्भव हुआ तो वो रामचरितमानस है या रामायण में इसका उल्लेख किया गया है कि जब हम सभी कहते हैं धार्मिक मत के अनुसार यही कहा गया है कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उनका 14 वर्ष का वनवास हुआ। जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, वो जंगल में रह रहे थे वन में, फिर उसके बाद में लंका का राजा रावण जो था आताताई, बहुत ही दुराचारी राक्षस था, उन्होंने माता सीता का हरण किया, हरण करके वो लंका ले गया। भगवान श्री राम ने लंका पे चढ़ाई किया, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भगवान श्री राम ने हर वर्ग के लोगों को साथ में लेके चलते हुए यह भी संदेश दिया कि हमको किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को साथ में लेकर चलने की, एक नेतृत्व करने की क्षमता जो होनी चाहिए। भगवान श्री राम से यह सीखने को मिलता है कि आज के टाइम में जो भी लीडर रहते हैं वो जातिवाद की राजनीति बहुत करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने हर वर्ग के लोगों को, हर जाति के लोगों को साथ में लेके चला है, चाहे वो माता सबरी का बैर खाया हो, चाहे निषाद गिरिराज से दोस्ती हुई हो, चाहे केवट मिलन हो, चाहे आराम से ग्रीव मित्रता हो, कहीं भी देखा जाए तो एक लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है, ये भगवान श्री राम का जीवन चरित्र जो है, इससे बेटर आपको कहीं सीखने को नहीं मिल सकता है। दूसरी बात, जातिवाद, अगर आप कहते हैं कि जातिवाद ये है वो है, छुआछूत से आप भेदभाव करते हैं, जातिवाद को भी भगवान ने मिटाने का जो सबसे उन्होंने जो कर दिखाया है उससे हम सभी को सीखना चाहिए और इस पे भी हम सभी को बहुत विचार करने की ज़रूरत है। आइए दूसरी बात सीखते हैं कि अब इससे आगे क्या हुआ। भगवान श्री राम जब अपने अयोध्या से निकले वन के लिए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। राम भगवान थे, लक्ष्मण और माता सीता, तीन लोग जंगल को गए और उन्होंने हर कहां से कहां, वो क्या करते करते कहां से कहां पहुंच गए। भगवान श्री राम का जीवन पूरा कठिनाइयों, परिस्थितियों, ऐसे परिस्थिति का सामना करते हुए उनका पूरा जीवन भरा रहा इससे, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम ने कभी हार नहीं माना। यह एक दृढ़ संकल्प को दर्शाता है कि अगर इंसान कितना भी अकेला क्यों ना हो, समाज उसकी कितनी भी क्यों ना अपेक्षा कर रहा हो, अगर कहीं से आपको तिरस्कार आपका हो रहा है, आपका लोग विरोध कर रहे हैं, गलत हो रहा है आपके साथ, आप अकेले हैं, आपके पास धन दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल निसहाय अवस्था में हैं, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, आपके अंदर करेज है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप हार नहीं मानिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। वही भगवान श्री राम ने कर दिखाया कि चाहे 7 समंदर पार लंका में रावण उठा के ले गया माता सीता को चुरा कर, लेकिन फिर भी वहाँ पे भगवान श्री राम समुद्र पे सेतु बांध कर पहुँच गए। यह बहुत ही हम सभी को इसे एक मोटिवेशन लेना चाहिए कि कुछ भी अगर आपने ठान लिया है तो बिल्कुल आप उसको पा सकते हैं, बस आप उससे पीछे मत हटिए। आइए अब समझते हैं कि दीपावली मनाने का उत्सव, भगवान श्री राम सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे और रावण जो था आताताई रावण, वो एक अधर्म रथ पे सवार होके असत्य की लड़ाई, अधर्म की लड़ाई लड़ रहा था, वो पापी दुराचारी था
और भगवान श्री राम सत्य के रथ पे बैठे हुए थे। और ये लड़ाई जाके जब ख़त्म हुई, भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, उस दिन हम सभी दशहरा मनाते हैं। तो दोस्तों दशहरा मनाते हैं, उसके बाद में भगवान लंका से माता सीता के साथ में, लक्ष्मण के साथ में सुशोभित होकर फिर अयोध्या में पहुँचे। 14 वर्ष का जब भगवान श्री राम का वनवास पूरा हुआ, उसके बाद में अयोध्यावासी ने भगवान के वेलकम के लिए पूरे अयोध्या नगरी को सजाई गई, दीप जलाया गया और भगवान श्री राम का भव्य स्वागत हुआ अयोध्या धाम में, जब श्रीलंका को जीत कर भगवान श्री राम वापस लौटे। तो उसके बाद में तभी से यह माना जाता है कि दीपावली का उत्सव यह मनाने जाने लगा। और दीपोत्सव का मतलब होता है कि एक अंधकार से प्रकाश की ओर आप जा रहे हैं, जो आपके जीवन में, मेरा इतना कहने का मतलब है कि जिस प्रकार हम सभी दीपावली मनाते हैं कि कहीं भी अंधेरा होता है, एक दीप जला दिया जाए अगर, तो उस अंधेरे से, वहाँ से अंधेरा बिल्कुल छंट जाता है, उस प्रकाश वहाँ पे हो जाता है दीप के प्रभाव से। उसी प्रकार से हम सभी को अच्छी बातें ग्रहण करना चाहिए और जो भी हमारे अंदर में जो भी अंधकार, जो भी बुराइयां, जो भी रावण रूपी काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार जो भी हमारे अंदर व्याप्त है, उस रावण रूपी बुराइयों को त्याग कर हम सभी एक अच्छाई के मार्ग पर चलें। और दीपोत्सव त्यौहार मनाने के साथ साथ में हम सभी इससे यही सीख लें कि दीपोत्सव, जैसे कि एक, मैं आपको इसके माध्यम से बताता हूँ, एक बहुत प्यारी लाइन है कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आप सभी के अंदर यह समान भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, साथ में मिलकर चलो, आप प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। आप सभी विनम्र भाव से एक दूसरे के साथ में, समान भाईचारे की भावना के साथ में, अगर आपका दीप जल चुका है, अगर आप सबल हैं तो जो समाज में गरीब लोग हैं उनको भी उठाने का प्रयास कीजिए, अगर आपका दीप जला हुआ है तो बुझे हुए का भी दीप जलाने की कोशिश कीजिए। ये मेरा इतना भाव है आप सभी के सामने कहने का मतलब, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सभी के अंदर प्रेम की भावना होनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए, जातिवाद की भावना नहीं होनी चाहिए, मजहब की भावना नहीं होनी चाहिए, ये इन सब विकारों से दूर रहने की ज़रूरत है। दीपावली के त्यौहार जो भी मनाया जाता है बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, यह बहुत खुशी की बात है कि यह हम सभी को इतना अच्छा त्यौहार मिला है कि हमको इससे बहुत कुछ सीख मिलता है, लेकिन एक्चुअली इसको सच में अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। केवल मनाने से ये बहुत खुश रहते हैं कि हमने इतना खर्चा किया इस त्यौहार में, ये कपड़े पहने, यो मनाए, ऐसा किए वैसा किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों जब तक आप सभी इसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो सीधा सा मतलब आप यही समझिए कि दीपावली हम इसलिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम लंका से, अयोध्या लंका को जीत कर वापस आए, उनके वेलकम में, उनके इस खुशी में सभी अयोध्यावासी ने दीप जलाया, अयोध्या को पूरी सजाई गई, अयोध्या में फिर दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया, तभी से दीपोत्सव मनाया जाने लगा, दीपावली मनाई जाने लगी और हम सभी बहुत हर्षोल्लास से इसको मनाते हैं, पूजा की जाती है इसमें। तो यही मेन रीज़न था, बस आप इतना ही जान लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ में हम सभी को अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो भी मैंने अभी भगवान श्री राम का जीवन चरित्र बताया, जो रावण की बुराइयाँ बताई, सत्य पर असत्य का जो मैंने ये बताया, दोनों इसका कंपेयर किया कि असत्य पर सत्य की जीत हुई, तो उसी तरीके से हम भी अपने अंदर सब कुछ इसको फॉलो करें और एक आदर्श नागरिक बनने की, एक आदर्श समाज स्थापित करने की कोशिश करें। दोस्तों मेरी इस वीडियो को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। दीपावली आने वाली है तो एक बार पुनः मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरे इस चैनल को अगर आप अभी सुन रहे हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, भूलें ना, क्योंकि मेरी अगली वीडियो आप सभी के पास बहुत आसानी से पहुँच सके। मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए, इतना टाइम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।